नमस्कार सारे मेरठ वाली और मेरठ वालों और सारे दोस्तों को, पूरे दिल्ली को, पूरे इंडिया को मेरा नमस्कार। कई लोग पहली बार आज हाथ ऊपर किया था, अभी आप लोगों ने पहली बार आके देख रहे हैं ये कंपनी के सेमिनार में। किसी लोगों ने आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, बुलाया आपको, चलिए चलिए बहुत अच्छा है, आके देखो अच्छा होगा आपका, ऐसा वैसा। कहीं किसी को किडनैप करके लाए होंगे, कुछ नहीं तू चल बस, तू आके देख बस, और इधर आके बिठा दिया। मैं भी ऐसे एक बार पहले, ये जो सक्सेस डे ना, ये सफलता का दिन है, सफलता का दिन ऐसा। पहले जोनाथन डे बोलते थे इसको, जोनाथन डे। ऐसे पहली बार जब भी मैं ऐसे सेमिनार में गया था ना, तो तीन रात तक नींद नहीं आया था मुझे, क्योंकि कई सारे लोग जो बिल्कुल कुछ भी लाइफ में निराश थे, और बहुत सारा, और वो आज अचीवर बन गए, और ये ऐसी इतनी बड़ी कंपनी के माध्यम में, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आज उनको सर्टिफाइड किया गया, यानी सम्मानित किया गया। वो देखने के बाद में मुझे लगा कि यार मेरा भी नंबर लग सकता है, इन्होंने तो सब पूरी लाइन बता दी। मैंने आज से 10 साल पहले ये कंपनी ज्वाइन किया था, इसके पहले ये कंपनी के पहले मैंने 20 साल तक मैंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया था इसके पहले कभी। नेटवर्क मार्केटिंग का पूरी मालूमात बिल्कुल नहीं थी, प्योर ट्रेडिशनल बिजनेस मैन रहा हूँ मैं। तकरीबन 18 से 20 साल से ज्वेलरी का डिज़ाइनिंग करता था, यानी सुनार का काम करता था, और पूरा ज़िंदगी पिताजी ने वो 40 साल काम किया। वो वंश पारंपरिक बिजनेस बोलते हैं ना, ऐसा बिजनेस से बिलोंग करता हूँ। और पिताजी ने बोला एक दिन कि मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी तू शुरुआत कर दे, क्योंकि हमारा बिज़नेस सीखने के लिए कम से कम 4 से 5 साल लगता है। 4 से 5 साल में भी ये बिज़नेस पूरा समझ में आएगा नहीं आएगा वो क्वेश्चन मार्क है। शायद सारे बिजनेस में ऐसा लगता है, कम से कम 1 साल 2 साल तो लगता है ना, 1 से 2 साल तो लगता है ना समझने के लिए, पूरा हर एक चीज़ को समय लगता है। जबकि ग्रेजुएशन को 16 साल लगता है, पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन के लिए 16 साल लगता है ना, कि एक दिन में पढ़ाई ख़त्म हो जाता है, नहीं होता। इसी तरह से यहाँ पे ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं मालूम था, जैसे बताया सब लोगों ने, ज़्यादातर यहाँ पे एक्सीडेंटली हो, भाई साहब ने अभी आपने बताया, मेरे भी घर में मेरी माताजी को प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं ये जो पीला डब्बा हम लोग सब लोग देख चुके हैं या देख रहे हैं या देखते रहेंगे, एलोवेरा जेल, वो मैंने पहली बार ऐसे हाथ डाल के जेब में से पैसा निकाला, 2000 रुपया, तभी 3 बॉटल लिया था उस व्यक्ति से जिसने मुझे ये कंपनी के बारे में जानकारी दी थी, और उन्होंने बोला था कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ही पावरफुल है। मेरी माताजी को 9 साल से प्रॉब्लम था, बहुत सारी दवाइयाँ की, मुंबई में हिंदुजा हॉस्पिटल का नाम सुना है, उस हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट डॉक्टर की ट्रीटमेंट चालू थी, मगर रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा था। और ये भाई साहब आके बोल रहे हैं कि एक जूस है जिसको पीने से आपके मदर को बहुत शांति या अच्छा मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। मतलब यार दुनिया भर का सब कर दिया तो ये भी करके देख लेते हैं, विश्वास बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर, साइंस का थोड़ा पढ़ा हुआ तो थोड़ा मालूम है कि यार ऐसा कुछ होता नहीं है दुनिया में, कुछ चमत्कार होता नहीं है, साइंस के हिसाब से ही चलना पड़ता है। मगर जब भी मेरी माताजी ने पीना शुरू कर दिया और 15 दिन में उनका थोड़ा वेट लॉस हुआ तो थोड़ा पॉजिटिव लगा, वेरी गुड, ओके, कुछ हो रहा है तो चालू रखो। दवाई पहले ऐसा सोचता था, दवाई के हिसाब से सोचता था, दवाई नहीं है ये प्रोडक्ट्स, मगर वो दवाई से ज़्यादा गुणकारी लोगों को महसूस हुआ, तो और तीन बॉटल मंगाया। ये सिलसिला तकरीबन 4 से 5 महीना चला, और 5 महीने में जो शुरुआत की थी उससे तब धीरे 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 उनका प्रॉब्लम एकदम जीरो पे आ गया। वो 3 कदम भी वो स्टैंड के बगैर नहीं चल सकते थे, आज वो बिना स्टैंड के, अभी कोई स्टैंड वैंड यूज़ नहीं करते। उससे भी बड़ी बात, आज उम्र में 10 साल बढ़ गए मगर हेल्थ उनकी डिटोरिएट नहीं हुई, यानी कम नहीं हुई है, वो एकदम हेल्दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, वो कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेते हैं। मैं एलोपैथिक मेडिसिन के विरुद्ध में नहीं हूँ, मगर वो लेना आपको बहुत सारे किताबों में पता चलेगा कि एक प्रॉब्लम के लिए वो अच्छा है, मगर वो दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, साइड इफेक्ट्स होता ही है उसका, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स उनको ऑलरेडी थे, वो सारे साइड इफेक्ट्स निकल गए। और मेरा काम तकरीबन 16 से 17 घंटे का था और बहुत ही बिजी रहता था, तो हेल्थ भी हाथ में से जा रहा था पैसे के लिए। जब अभी चंद्रकांत ने बताया कि हम लोग पैसे के लिए भागते हैं और हेल्थ छूट जाता है, ऐसे मेरा भी हो रहा था, मगर क्या कर सकते हैं, वो जो चक्कर में घुस गए एक बार,
तो वो कुछ नहीं कर सकते उसमें। और वही कर रहा था मैं जो सब लोग, आप लोग भी कर रहे हैं शायद, अभी भी कर रहे होंगे, ट्रेडिशनल बिजनेस का बात कर रहा हूँ मैं। तो ये ऐसा हुआ कि मैंने भी एक दिन बैठा था डाइनिंग टेबल के ऊपर और बॉटल पड़ा था, मेरी माताजी का तो रिज़ल्ट था ही, तो मैंने बोला यार एक बार ट्राई तो करते टेस्ट कैसा लगता है। और मैंने एक कप के जितना मैंने पी लिया। मैं सुबह को 7:30 बजे मेरा फैक्ट्री ऑन करता था और रात को कभी कभी 12, 1, 2, कोई ठिकाना नहीं। खुद का बिजनेस है तो कोई ठिकाना नहीं रहता, बंद करने का कोई टाइम नहीं रहता, खुद का बिजनेस है तो। और ये पीने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर थोड़ा एनर्जी बैलेंस है। रात को आने के बाद भी मेरी वाइफ के साथ में, मतलब बीवी के साथ में बैठ के मैं बात कर सकता हूँ, उतनी एनर्जी है। मेरे बच्चों के साथ में बैठ के थोड़ा सा बात कर सकता हूँ, मेरे पास एनर्जी है, वरना ज़ीरो एनर्जी। खाना, स्नान किया, खाना खाया और सीधा सो गए, बस ऐसे ही हो रहा था। मतलब ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा काम करना पड़ता तो कर रहा था और बस जी रहा था। ये पीने के बाद में थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, बोला ये तो अच्छा है यार सिर्फ पीने से। यहाँ पे 5 महीना यूज़ करने के बाद मेरी माताजी ने जब भी वो फंक्शन में जाना शुरू कर दिया तो लोग पूछने लगे उनके इधर फेस पे, ऐसा कहा जाता है कि आपका इंजन है ना, ये इंजन है हमारे गाड़ी का, अगर ये इंजन सही है तो कहाँ पे दिखेगा, और इंजन सही नहीं है तो भी कहाँ पे दिखेगा। अभी वो उनका इंजन सही हो गया तो यहाँ पे एकदम चमक आ गई, तो लोग पूछने लगे। और उनका साइज़ भी कम हो गया, तकरीबन 18 से 20 किलो उनका वेट लॉस हो गया, एनर्जी लेवल बिल्कुल लॉस नहीं हुआ। तो वो तो डॉक्टर ने बोला ये तो बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप इसको कंटिन्यू रखो। आज वो डॉक्टर भी यही प्रोडक्ट ले रहा है। हाँ, वो सारे लोग मेरे नेटवर्क में, आप उनके उनके नीचे 7 डॉक्टर का पैनल था, वो जो सीनियर डॉक्टर थे वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर है अभी इस कंपनी के। सो नाउ इस तरह से सिलसिला चला, मेरी माताजी ने बात करना शुरू किया, मैं वो पीला डब्बा पीती हूँ और मेरा ये दर्द सब चला गया और मैं पतली हो गई और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं अभी वो शादी में और सब जगह जाने लगे थे, तो लोग हर एक घर में किसी ना किसी को ऐसा प्रॉब्लम है ही है। और सब लोगों ने, जितने भी लोग उनके पहचान में, मतलब मेरी माताजी के जितने भी रिलेटिव्स में है ना, उन सबको कुछ ना कुछ ऐसा हेल्थ का प्रॉब्लम था। बोला ये मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, बोला क्यों नहीं, उमेश से बात करो। मेरे को फ़ोन आना चालू, मेरी प्रॉब्लम हो गई। अभी लोग मेरे को बोलते 2 बॉटल, तू जब भी जाएगा लेने को तो मेरे लिए 2 बॉटल लेके आना। मेरे घर से वो तकरीबन एक ऑड रास्ता था, मतलब एक अलग तरह का मुकाम पे, वो मतलब बीच में रास्ते में अलग तरीके से जाना पड़ता था, 2 घंटा लगता था। और मेरे बिजनेस में मैं 2 घंटा हर रोज़ नहीं निकाल सकता था, तो मैं कई बार ऐसा बोलता था, लोगों को टाल देता, फ़ोन नहीं उठाता था कि वो बोलेगा 2 बाटली लेके आना। मैं कभी कभी 30 बाटली उठा के लेके जाता था, कुछ लोग पैसे भी नहीं देते थे। वो बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, ऐसी हालत थी। तभी मैंने एक किताब पढ़ी, मैं किसी को ना नहीं बोल सकता था, ऐसा मतलब ऐसा मेरा स्वभाव था। तो मैंने किताब पढ़ी हाउ टू से नो, यानी कैसे ना बोला जाता है, इसकी किताब मिलती है। हाँ, आपको हंसी आ रही है मगर मिलती है मार्केट में, आप देखो हाउ टू से नो। कई लोगों को ये प्रॉब्लम है और उसकी वजह से कई बार लॉस करते हैं। तो ये किताब पढ़ा और उसमें लिखा था, एक नुस्खा लिखा था, उसमें लिखा था कि अगर आप मुँह से ना नहीं बोल सकते फेस टू फेस, तो एक कागज़ पर लिख के दे दो उस बंदे को जो आप कहना चाहते हैं, आपका काम खत्म हो जाएगा। मतलब ये तो बढ़िया है यार, कोई टेंशन ही नहीं है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं कल से आपके लिए प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा, मैं आपके लिए कल प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा, वो क्या सोचेगा। मैंने एक चिट्ठी बनाया, इतना क्लिपिंग बनाया और उसमें पूरा एड्रेस लिखा, पहले अंधेरी में ऑफिस था, और एड्रेस लिख के उसमें मेरा आईडी नंबर लिख दिया, क्योंकि उनको बिना आईडी के प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मेरे को बिज़नेस के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं थी, और लिख के चिट दे दिया। अभी मैं थोड़े दिन के बाद धीरे 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 करके सब लोगों ने फ़ोन करना बंद कर दिया, मेरे लिए तो टेंशन ख़त्म, मैं तो खुश हो गया। मगर एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई, वो नुस्खा काम कर गया मगर एक प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेरे घर पे चेक आना शुरू हो गया। पहला चेक मेरा, आपको जान के बहुत खुशी होगी, मेरा पहला चेक था 142 रुपये का। वो 142 का चेक देख के मैं थोड़ा हैरान हो गया, मेरा ये प्रोडक्ट्स कंपनी ने ये मेरे को पैसे ऐसे ही भेज दिया, ये क्या है। मैं जब भी दूसरी बार मेरी माताजी के लिए प्रोडक्ट लेने, मेरे हमारे फैमिली के लिए लेने को गया, तो वो जो काउंटर पे बंदा बैठा था, कृष्णा यूज़ टू सिट, कृष्णा नाम का आदमी पहले बैठता था, तो उनको मैंने पूछा, कृष्णा भाई ये आप ये मेरे को चेक भेजा है कंपनी ने, ये किस खुशी में भेजा है 142 रुपया। भले 142 है मगर चेक तो आया ना,
बोलता है मेरे को ज़्यादा इसमें मालूम नहीं, आपको कमीशन मिला है, मैंने किसी को बेचा नहीं है। तो बोलते आपने कहीं ना कहीं कुछ तो किया होगा ना, तू पैसे आया है। बोला ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वह बोला सामने सेमिनार हॉल है, उसमें जाके बैठो, वो सब कुछ उधर मालूम पड़ जाएगा। और उस दिन वहाँ पे एक लेडी हमारी कंपनी के सीनियर मैनेजर हैं, उनका नाम अपर्णा तलपड़े, उनका सेमिनार था। और वो सेमिनार में बैठा मैंने, और जो माइंड में बिजनेस माइंड था वो उसने कैच कर लिया। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे सिस्टम है कि जहाँ पे कोई भी साधारण से साधारण आदमी असाधारण इनकम ले सकता है। तो मैंने बोला तो वो साधारण आदमी मैं ही हूँ क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए, अच्छी तरह से सीखा जाए। फिर उसके बाद मैंने मेरे बिजी, बहुत ही बिजी, कुछ लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। ओके, जिसके पास टाइम नहीं है ना, वो जाके चेक करो कि अनिल अंबानी के पास कितना घंटा है दिन में, बिल गेट्स के पास कितना है, उनके पास भी 24 घंटा ही है, मगर वो अरबापति खरबापति है। यानी जो वो डायलॉग बोल रहे हैं वो गलत सही नहीं है, मैं तो गलत नहीं बोलता मगर वो सही नहीं है। अगर आप में से भी कई लोग ऐसे बोलते होंगे कि मेरे पास ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं है, मेरे को जाने का टाइम नहीं है, कोई मीटिंग हाउस पार्टी हो रही है, घर में डेमो हो रहा है, तो उसके लिए जाने का टाइम नहीं है, तो आपके लिए कोई फ्यूचर भी नहीं होगा अगर आप सीखेंगे नहीं। तो किसी भी बिजनेस को सीखना पड़ता है या रात को सपने में आता है सब कुछ आ जाता है? सीखना पड़ता है ना, इंस्टेंट पैसा कुछ भी नहीं मिलता है। ग्रेजुएशन करने के लिए कितना साल लगता है एटीकेटे नहीं मिला तो? पिताजी का और माताजी का 20 लाख तकरीबन लग जाता है और 10,000 की नौकरी मिलती है, तभी 16 साल का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है सीखने के लिए। एम आई राइट, यस और नो? कितने लोग ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पे प्लीज? अरे बाप रे, सॉलिड, सो मेनी सर, आई एम नॉट, मेरे पास भी डिग्री है, मैं लास्ट में बताऊंगा। ग्रेजुएशन करने के लिए कितना साल लगता है केटी के बगैर? 16 के सामने 16 लाख रुपया लग गया, हम लोग सोच लेते हैं, उसमें यूनिफॉर्म भी आ गया, बिस्किट का डब्बा भी आ गया, सब कुछ आ गया है? 16 लाख डालने के बाद, 16 साल भी डालने के बाद आउटकम क्या है? 10,000। यानी अगर 2% ब्याज पकड़े 16 लाख का, 32,000। अगर 32,000 नहीं आ रहा है ना तो आप लॉस कर रहे हैं। मुद्दल कभी आएगा वो तो बात की बात है, 2% इंटरेस्ट भी नहीं निकल रहा है आपके पिताजी का इन्वेस्टमेंट का। यस, यहां पे कई सारे ऐसे लोग हैं फॉरएवर में जो ऐसे, समझते हैं इसका मतलब, कभी कोई स्कूल नहीं देखा है, कोई कॉलेज में नहीं गए हैं, ओके, मगर 5-0 वाला इनकम लेते हैं। कितना? सो कौन सा वाला पढ़ाई अच्छा है? प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है कहां पे? जो बचपन से आपके पिताजी, हमारे पेरेंट्स को जो मिली है सोच, वही सोच हमारे पास आएगी ना, वही सोच से ये अभी सिस्टम चल रहा है। और उस सोच का फायदा सारे नेटवर्कर लोग लेते हैं। कौन है नेटवर्कर लोग? अनिल अंबानी। अनिल अंबानी क्या है? डॉक्टर है, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट, वो नेटवर्कर है। क्या है? जो नेटवर्क का इस्तेमाल करता है अपने भले के लिए, नेटवर्क से वो अगर प्रतिष्ठा पाता है या पैसा पाता है उसको नेटवर्कर बोलते हैं। बिल गेट्स क्या है? बिल गेट्स को 12वीं में निकाल दिया था कॉलेज में से। नाउ यहाँ पे ये एक सिद्ध होता है, एक यहाँ पे एक चीज सिद्ध होता है कि हमेशा अगर आपको सफलता चाहिए, सफलता का मायने क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? सक्सेस डे है, सफलता का मायने क्या है? सफलता, कितने लोग सफल होना चाहते हैं? सिर्फ सफलता को क्या बोलते हैं, सफलता को पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं या उसका एहसास करना चाहते हैं? सफलता एक डेस्टिनेशन स्टेशन नहीं है कि पहुंच गए उधर खत्म। सफलता एक जर्नी है, प्रवास है, प्रवास। आप उसको एहसास कर सकते हैं, उसको सफलता का एहसास हो सकता है। आज जितने भी लोगों को ये पिन लगा है उनको आज पूछो, उनको एहसास हो रहा है अंदर से कि मैं कुछ ना कुछ पाया हूँ। आगे भी और भी, ग्रीन वाले अभी ब्लू में जाएंगे, ब्लू वाले रेड पे जाएंगे और रेड वाले आगे ग्रीन कलर का शेष और आता है, प्रॉफिट शेयर, मिलियनेयर्स। हर एक आदमी को प्रवास है, वो सफलता एक प्रवास है, मगर सफलता का मायने क्या है? आप लोग सब लोग सफल होना चाहते हैं ना, सब लोगों ने हाथ ऊपर किया ना,
यस और नो? तो सफलता का मायने क्या है? डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, यू आपको सफल समझना बहुत जरूरी है। सफलता का मतलब अभी आपने बताया कुछ लोगों ने हिंदी में, कुछ एक पहले कहावत है, सबसे पहले क्या, निरोगी काया, फिर है ना, तीसरी भी एक सफलता चाहिए, टाइम फ्रीडम। आपके पास पैसा है, आपके पास सेहत भी है, मगर फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो ये दोनों का वैल्यू नो वैल्यू, जीरो। अपने बीवी को आप प्लेन दे सकते हैं मगर टाइम नहीं दे सकते, तो उसका वैल्यू जीरो है ना। ये तीन पहलू है, ये तीन पाये के ऊपर ये टेबल खड़ा है। तो जितने लोग भी यहां पे बैठे अगर सफलता पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला है आप अपने आप को हेल्दी बनाओ। ये तो लत पड़ते हैं, जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का सुना, जैसे ही एलोवेरा सुना, गेहूं टाक ले 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 ले, बहुत अच्छा है तेरे लिए, बहुत अच्छा है तेरे लिए, बहुत अच्छा है, खुद नहीं खाते। आपको लगता है ये आदमी सफलता जल्दी से पाएगा? अगर अनजाने में अगर ऐसा हो रहा है तो सफलता ज्यादा टिकेगी नहीं। ओके, सबसे पहले निरोगी काया किसकी, आपकी और बाजू वाले की, किसकी? कितने लोग सीरियसली मानते हैं ऐसा? कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, 50-50। अगर आपके माइंड में आपको क्या चाहिए वो क्लियर है तो ही वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम आएगी। मैंने भी यहाँ पे ट्रेनिंग्स में, ये ट्रेनिंग्स आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ट्रेनिंग्स के द्वारा क्लियर हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे सर के लिए मैं बहुत ही शुक्रिया करता हूँ सर को, कि मैं दावे के साथ में बोल सकता हूँ, मैंने जितनी भी ट्रेनिंग इंडिया में जैसी देखी, मैंने ओवरसीज में मतलब बाहर की दुनिया में भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स देखी है। अभी अभी मैं आज डायरेक्ट भी दुबई से डायरेक्ट इधर आया हूँ, मैं डायरेक्ट मुंबई से नहीं आया हूँ, दुबई में 15 दिन मैंने बिजनेस करके आया। उधर ट्रेनिंग जैसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसी ट्रेनिंग वहां पे होती है। और इंडिया में दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम हम लोग ने सर के द्वारा हम लोगों ने पाया है, और उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप तो हम लोग सब लोग, हम लोगों को सर पे आशीर्वाद है, हम लोगों के साथ में इतना पावरफुल मैनेजमेंट टीम है। नाउ ये सब कुछ आपको ट्रेनिंग के माध्यम से मिलेगा। जो आदमी ट्रेनिंग को अच्छी तरह से सीरियसली करेगा, ट्रेनिंग में तीन चीज आपको सीखना है। पहला चीज है, एक चीज सबसे पहले कंपनी का बैकग्राउंड आपको समझ में आना चाहिए। मैं जब भी पहली बार गया था तो मुझे मालूम नहीं था कि एलोवेरा होता क्या है। एलो बारबाडेंसिस मिलर, ये पौधे का नाम है, कई लोगों को ये बोलने के लिए भी प्रॉब्लम आता है। ओके, पहले दिन पे मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आया, क्योंकि कभी ऐसा शब्द कभी बोला नहीं था, एलो बारबाडेंसिस मिलर। एक बार बोलेंगे, एक मिनट, मैं एक बार बोलता हूँ फिर से, आप रिपीट कीजिए, एलो बारबाडेंसिस मिलर। अभी शब्द गया मुंह में, शब्द गया ना, अभी आप बोलेंगे तो वो बरोबर बाहर आएगा। बचपन में माँ बाप भी आपको सिखाते हैं, डायरेक्ट आप पालने में से डायरेक्ट माँ पापा ऐसा नहीं बोलते, आपको पहले कई बार बोला है, बेटा माँ बोल, बेटा बाप बोल, पापा पापा, तो वो लिप रीडिंग देखता है। आप सब लोग डिस्कवरी देखते हैं, डिस्कवरी चैनल में ये सब कुछ दिखाया कि एक फीडिंग होता है पहले, उनके माँ बाप उनके माइंड में और ये शब्द डालते हैं, तभी वो बच्चा वो शब्द सीखता है। राइट और रॉन्ग? आप अपना बचपन देखो, या आपने माँ बाप का वो जो आपने सिखाया था, बोल पापा, बोल पापा, वही चीज शब्द अंदर जाना चाहिए। मगर वो शब्द अंदर जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग पूरी दुनिया को नीचे गिराएंगे, अपने को खुद को ऊपर उठाने की उनके में क्षमता नहीं है, तो क्या कर देते हैं, दूसरे को नीचे गिराना बहुत इजी है बट खुद को ऊपर करना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या कर देते हैं, इजी वाला काम जल्दी करते हैं। हम लोगों को इजी सॉल्यूशन चाहिए, फटाफट ऑन द स्पॉट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उस तरह से जर्नी स्टार्ट हुआ, मैं अपने बिजी शेड्यूल में से, मैंने कभी आज तक भी फॉरएवर के बिजनेस के लिए मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है मेरे पास टाइम नहीं है। जब भी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होता है तो मैं कैसे भी कुछ भी एडजस्ट करता था और मैं वो ट्रेनिंग में कैसे भी पहुंच जाता था।
आज भी मेरा ऐसा ही रिकॉर्ड है कि कभी भी कोई स्पेशल, मैं जब भी दुबई गया था तो मैं जिस दिन लैंड हुआ उसी दिन वहां पे डायमंड मैनेजर का ट्रेनिंग था। मैं रात को 4 बजे फ्लाइट में गया था, सुबह तक सोया नहीं था। मैं वापस 4 बजे दोपहर को वहां पे दुबई में जाके ऑफिस में ट्रेनिंग देख रहा था उनकी, क्योंकि मुझे कुछ सीखना है। अगर मैं कुछ सीखूंगा तो किसी को बता पाऊंगा ना, अगर मैं बता ही नहीं पाता हूं तो क्या कोई समझेगा। सो ट्रेनिंग सबसे पहले, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग भी आपके पास होना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपके अपलाइन को नहीं। कोई किसी, कई लोगों को एलोवेरा भी नहीं बोलने को आता है, सीरियसली, जिसका जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है वो शब्द भी आपको नहीं आता है। यानी आपको सीखना बहुत जरूरी है। 16 साल पढ़ाई करते उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पे सीखने के लिए टाइम नहीं है। क्या बनना पसंद करेंगे आप? अच्छा, बेस्ट डॉक्टर इंडिया का, बेस्ट लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए या अनिल अंबानी, क्या बनना पसंद करेंगे? क्यों अनिल अंबानी? बहुत नोट है ना? क्यों? उसका मैं रीजन बताता हूं, साइंटिफिक रीजन। उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा रहेगा, और वो हमेशा बहुत पैसे वाला पैसा कमाता ही रहेगा। इसके लिए अनिल अंबानी। ये 3 रीजन है जो आपको मालूम नहीं है कि आपका माइंड क्यों, माइंड ऑटोमेटिक होता है ना। क्यों अनिल अंबानी ज्यादा अच्छा लगता है? पहला कारण, बहुत पैसा है, हमेशा उसके पास रहेगा और कमाता ही रहेगा। नाउ यही लॉजिक आप अगर अपने लिए यूज करें तो आप भी अनिल अंबानी के जैसे बन सकते हैं। मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, सर की भी बहुत सारे, सर बहुत ट्रेनिंग करते थे तभी, आज कम कर दिया, आजकल अभी बहुत कम ट्रेनिंग करते हैं, बट बहुत पावरफुल ट्रेनर है सर। एक जोरदार ताली अमरजीत सर के लिए। मैंने एक चीज यहाँ पे आके सीखी है, मैं बहुत ही अंतर्मुखी बोलते ना, इंट्रोवर्ट आदमी था, और अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा क्योंकि ये बिजनेस की डिमांड है। मुझे बोलना है, सही बोलना है, बोलना सिर्फ नहीं है, सही बोलना है, तो मुझे सीखना पड़ेगा। मैंने बहुत मेहनत की, मैं रात को 2-2 बजे तक, मैं आप अच्छी सेहत नाम का किताब है ना, गुड हेल्थ, उस किताब को मैं रट्टा मारता था, रट्टा रात को पढ़ के। मेरी बीवी को और मैंने बच्चों को मैंने बोल दिया था कि मैं कम से कम 1 साल यहाँ पे बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये नेटवर्क मेरा एक बार बन जाएगा तो एक स्टेडी इनकम हो सकती है इसमें, जो हमारे बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं हो सकता। सो मेरी वाइफ ने बोला कि एकदम जीरो वाला मत करना, कुछ कुछ तो देते रहना, नहीं तो ज़्यादातर अभी यहाँ पे भी वो जो फैशन है कि नहीं मालूम नहीं है, बट मुंबई में बहुत फैशन है, सैटरडे संडे को खाना बनता नहीं है, घर में खाना बनता नहीं है, होटलों में खाया जाता है। तो मैं अभी वो जो एक फैशन है वो, उसके तो लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें। इस तरह से ये शुरुआत हुई थी और उन्होंने माना और मेरे को सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने, मैं हमेशा उनके लिए शुक्रिया करता हूँ, वो मेरे बैकबोन है मेरा बिजनेस में। एक जोरदार ताली मेरी बीवी के लिए बजाओ, क्योंकि अगर अगर पार्टनर का सपोर्ट मिलता है ना तो आप फटाफट ये पायदान चढ़ जाएंगे, वरना घर में कुरकुर चालू हो गया ना तो बहुत प्रॉब्लम है। आप कितना भी पैसा कमाए और घरवाली अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो मेजर चैलेंज, वाइफ करती है तो हस्बैंड अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो भी मेजर चैलेंज है, घर में ही संतोष नहीं है तो प्रॉब्लम है ना। इस तरह से शुरुआत हुआ था, मीटिंग देखते गया, हर एक आदमी को ऑब्जर्व करते गया कि ये आदमी काम कैसे करता है, कैसे बात करता है। सारे तरीके चोरी कर लिए, कुछ साइमन का चोरी किया, कुछ जोस का चोरी किया, कुछ ओवरसीज से डिस्ट्रीब्यूटर आते थे और ट्रेनिंग करते थे उनका भी, सर का बहुत कुछ चोरी किया, सर ऐसे आंख ऊपर करते ना तो वो भी चोरी कर लिया ना। ये माहौल में सीखते गया और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आते गया। अगर आप सीखते नहीं है तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, फिर अंगूर खट्टा, अंगूर खट्टा था, किसने चेक किया था? वो लोमड़ी ने चेक किया था, तो वो खाया ही नहीं था उसने, तो खट्टे कैसे हो गए? उसने अपनी, अपने आप को इतना कैलिबर उसका बढ़ाया नहीं तो वो उधर तक पहुंचा ही नहीं, तो क्या कर दिया उसने? दूसरों को गिरा दिया नीचे, अंगूर खट्टा है। ऐसा नहीं सोचा कि मेरे में क्षमता नहीं है, वो नहीं सोचा, या मैंने सीखा नहीं है। सो इसी तरह से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और तकरीबन 1 साल और
तक 15 महीना लगा मुझे मैनेजर बनने के लिए। आप में से कई लोग 3 महीने में, 2 महीने में, मुझे सुपरवाइजर बनने के लिए 1 साल लगा था। और सुपरवाइजर बनने के बाद पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी पिन लगता था, असिस्टेंट सुपरवाइजर को जो दोषी से कहते ना तभी भी, सर ऐसा कुछ करो पिन विन लगाओ वापस, भले मात्रा में बनाना पड़े चलेगा, मगर वो भी एक बहुत ही अच्छा सम्मान है। एनीवेज तो वो पिन मेरे पास आज भी है, वो पिन, वो जोनाथन बर्ड का पिन था। तो इस तरह से शुरुआत हुई और बहुत सारी चैलेंजों का सामना, उस टाइम पे बिल्कुल ब्रोशर वोशर कुछ नहीं था, अभी आज तो इतने सारा लिटरेचर यानी पुस्तक और बहुत सारी जानकारी हमारे पास कलर में एकदम प्रिंटेड। उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, कोई यूके से डिस्ट्रीब्यूटर आया तो हम लोग उसके साथ में बाजू बाजू हैं, वो भले हमारे से बात करें नहीं करें, हम लोग उनसे बात करते थे, ज़रूरत किसकी है, मेरी ये ज़रूरत है तो मुझे करना ही पड़ेगा, उनको हाय सर मेरा नाम उमेश है, ऐसा करके उनसे बात करते थे और बोलते सर आपका फाइल देख सकता हूँ, खाली देखने में, फिर फाइल देखने के बाद में सर इसका कॉपी निकाल सकता हूँ, मुझे बिजनेस करना है तो इस बिजनेस की ज़रूरत थी कि मेरे पास कुछ हो दिखाने लायक। आज तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों ने उस टाइम पे ये बिजनेस शुरू की थी। एलोवेरा कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बहुत खराब कर दिया था कुछ कंपनियों ने, इसके लिए कोई विश्वास नहीं करता था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी जहाँ पे हम लोग पहुँचे, मैं या हम लोग जो सीनियर, जितने भी सीनियर लोग हैं जो इस कंपनी में 10-12 साल से काम करते हैं, नाउ आप हमारी इनकम पे या हमारे पोजिशन पे हमारे आधे टाइम में पहुँच सकते हैं क्योंकि आपके पास सहूलियतें सारी, मगर आप चाहे तो, आप चाहते हैं तो आपकी चाहत को स्ट्रांग बना। धीरे धीरे ट्रेनिंग करता गया करता गया और मुझे एक दिन एहसास हो गया कि मुझे भी ट्रेनिंग करना चाहिए ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो वहाँ पे मैं सब लोगों को देखता था, मैं बहुत ही प्रोत्साहन महसूस करता था, प्रोत्साहित महसूस करता था। कभी कभी ये शब्द में आएगा तो प्योर हिंदी नहीं बोल सकता क्योंकि इंग्लिश वाला मिक्स वाला हिंदी मुंबई वाला भाषा है। तो धीरे धीरे ये ट्रेनिंग घर पे जाके मैं कांच के सामने खड़ा रह के मैं बुक पढ़ के ट्रेनिंग करता था अपने आप को, क्योंकि बीवी बच्चे तो सो जाते थे 2 बजे रात को, बाथरूम में खड़े रह के मैंने ट्रेनिंग किया इस तरह से अपने आप को ट्रेनिंग। कभी कभी सर, एक बार याद है आपको, ऐसा ही सेमिनार हुआ, सेमिनार हॉल था उधर, और शाम को 8 बजे के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, ज़्यादातर मैं लास्ट में मैं ही रहता था वहाँ पर, मैं ऐसा पोडियम पर ऐसा, अंदर कुछ भी चालू नहीं है, अंदर कंप्यूटर वगैरह कुछ भी चालू नहीं है, और मैं खाली ऐसा सामने ऐसा स्टेज देख के मेरे को डर लगता था कि मैं कैसे बात करूंगा इतने सारे लोगों से, तो एक डर लगा रहता था हमेशा, वो डर निकालना चाहता था। सर ने बोला था अगर आपको डर को काबू करना है ना तो वो जो करने का आपको डर लगता है ना वो करना शुरू कर दो लगातार कंटिन्यूस। मैंने बोला एक बार ट्राई करते हैं यार पोडियम को पकड़ के एक बार, ऐसा जाके पैर हिल रहे थे, ऐसे जाके मैं खड़ा रह गया और मैं कुछ भी, मतलब जो सेमिनार में लोग बोलते हैं ना कैसे हैं आप लोग, सब लोग ओके, आपका सबका स्वागत करता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ से, मेरी तरफ से एक्स वाई जेड, इस तरह से प्रैक्टिस किया। मुझे मालूम ही नहीं था, एक दिन मैं ऐसा प्रैक्टिस कर रहा था, अंधेरा सामने पूरा अंधेरा, सीट्स खाली, सर आके बैठ गए पीछे से, अमरजीत सर है ना वो आके बैठ गए, मेरे को मालूम ही नहीं, जब भी मैंने दरवाज़ा बंद करने को जब भी जा रहा था तभी सर को देखा उधर, तो एक सेकंड के लिए बहुत डर लगा यार डांटेंगे वाटेंगे तो नहीं ना। मगर उस दिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे एक चीज़ बताई कि नाउ आप लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं, ओके सो अपने आप को अच्छी तरह से अभी और भी ट्रेनिंग करो। उस दिन ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा मतलब पूरी दुनिया जीत ली, और धीरे धीरे ट्रेनिंग करता गया। शुरू शुरू में गलती भी किया मैंने, गलती करते 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 गलतियों को सीखता गया, रिकरेक्ट करता गया, बुक्स बहुत पढ़ता था मैं उसको, और विश्वास पैदा किया अपने आप में कि मैं भी उनके जैसा बोल सकता हूँ, ये बिज़नेस की ज़रूरत है। इस तरह से शुरुआत हुआ, फिर मैनेजर बना, मैं मैनेजर बना था 2003 में, जब भी बेदी, हम लोग 3-4 जन हम लोग साथ में, बेदी भी हमारे मेरे साथ में सेम मंथ में मैनेजर, मिस्टर TPS बेदी, हम लोग दोनों सेम मंथ में मैनेजर बने थे, हमारा फोटो दोनों साथ में, पहले छोटा सा इतना फोटो आता था ऐसा ब्लैक एंड वाइट में, ब्लैक एंड वाइट फोटो था, अभी कलर वाला है। इस तरह से शुरुआत हुआ था, धीरे धीरे अभी और कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते जाएंगे, आप लोगों को बात करते जाएंगे, हमेशा माइंड में यही रखा था कि मुझे लोगों को मदद करनी है, किसी को डब्बे में नहीं डालना है, किसी को बाटली में नहीं डालना है। सोच ऐसी थी
कि मुझे लोगों को मदद करना ही पड़ेगा, उनको सफलता मिलेगी तो मुझे सफलता मिलेगी। किसी के जेब में से पैसा नहीं निकलना था, तो इस तरह से शुरुआत हो गई। पहले साल मेरा जो शुरुआत हुआ था, जो मैं बोल रहा हूँ 16 महीना, तो उस 16 महीना में मैंने कितना पैसा कमाया मालूम है? 6,000 रुपया। कितना? मेरा पिताजी बहुत खुश हो गया, वाह वाह वाह, कितना स्मार्ट मेरा बेटा है, जो मुंबई और इंडिया में डिजाइनिंग में जो नाम कमाया है वो आदमी आज 6,000 रुपया कमाया पूरा साल में, कितना अच्छा इनकम किया। रात को खाना खाते खाते बोला, बेटा तू 1,000 बार सोच लेना इधर टाइम डालने से पहले। अभी क्या करूं? पिताजी को तो बोल नहीं सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा बिजनेस है, इतना पावरफुल है, उन्होंने देखा नहीं था। वो एक जुनवाणी मतलब रूडी के हार्डवर्किंग वाले उनका माइंडसेट, उस टाइम पे हार्डवर्क चलता था, मगर आज चलेगा? आज स्मार्ट वर्क चल चाहिए। क्या चाहिए? हार्डवर्क मगर स्मार्ट वर्क के साथ में। तो धीरे धीरे पिताजी का ना 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 बोलना शुरू हो गया और प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं क्योंकि टाइम चोरी करके मैं टाइम डाल रहा था बिजनेस में और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पिताजी को मालूम पड़ रहा था कि मैं कहीं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, तो मेरे को बोला कि तू वो कर रहा है मगर याद रखना, ओके, कभी कुछ भी हुआ तो हम पूरा घर आपके शोल्डर के ऊपर है, हम लोग को सबको प्रॉब्लम आएगी। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ना करते अभी उनको मैं कोई। मैं एक दिन मैंने उनको क्या किया, मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी तभी, ओके, उसमें 50 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं डालता था। आप लोग में से कई सारे आज भी होंगे ऐसे, 50 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं डालते उसमें। उसमें पिताजी को बिठाया, बोला आपको किसी होलसेलर के पास जाना है हम लोग को गोल्ड के बिजनेस के लिए, और आप मेरे साथ चलेंगे तो गारंटी हो जाएगी। और जाके फॉरएवर की ऑफिस में बिठा दिया उनको। एक मिनट, उस दिन भी कुछ भी पल्ले पड़ा, वापस रात को खाना खाते खाते तू 1,000 बार सोचना है, यानी अर्जुन ना, अभी क्या किया जाए, अभी दूसरी बार तो झूठ नहीं बोल सकते, मगर फिर से वापस कोशिश की कि झूठ बोल के वापस उनको एक बार लेके जाया जाए। और उस दिन दूसरी बार लेके गया तो वापस अपर्णा तलपड़े का ट्रेनिंग था, और उन्होंने भी वही ट्रेनिंग दिखा और बोला रात को, उस दिन रात को क्या बोला मैं आपको शब्द शब्द से बोलता हूँ, गुजराती में बोलता हूँ कि बिजनेस सारो छे, थोड़ा थोड़ा टाइम उसमें डालना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मेरे पिताजी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं और हर महीना एक आदमी को अपनी टीम में जोड़ते ही हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के माध्यम से हो या बिजनेस के माध्यम से हो। कितना अच्छा है, आज वो सीना फुला के चलते हैं ऐसा पूरे समाज में हमारे, क्योंकि हमारे पूरे समाज में मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो इतना बड़ा पोजीशन, इतना बड़ा कंपनी में ऐसा इतना अचीवमेंट्स लिया हूँ, बाकी कोई ऐसा अचीवमेंट्स नहीं लिया। तो देख के बहुत खुशी होती थी। फिर मेरे टीम में मैंने लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि जो मैंने किया वो आप करेंगे तो 110% आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे मिल रहा है। बहुत सारे सपने थे, यस या शादी के बाद बहुत सारे सपने हस्बैंड और वाइफ के होते हैं, ओके। हनीमून की बात चलिए तो थोड़ा मैं भी हनीमून का शेयरिंग कर लूँ। मेरी शादी लव मैरिज थी और मेरी वाइफ के पिताजी शुरू में राजी नहीं थे, और उसके बाद शादी कर लिया हम लोगों ने छुप के, और शादी करने के बाद वो अपने घर पे चली गई, मैं अपने घर पे चला गया, कोई हनीमून वनीमून कुछ नहीं हुआ। हाँ, सीरियसली, एक महीने के बाद हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग शादी कर चुके हैं, मगर आपको खुश रखने के लिए हम लोग शादी करने के बावजूद भी एक महीना हम लोग अलग रहे हैं, तो इसमें आपके सब लोगों की खुशी चाहिए। तभी वो मान गए कि इतना वो लोग ने शादी करके एक महीना अलग रहना, इट्स नॉट ईजी, तो क्योंकि वो एज ऐसा होता है। तो उन्होंने फिर बाद में उन्होंने मेरे ससुर ने फिर एग्री किया। आज वो एक दिन मुझे नहीं देखते ना, वो मेरे नीचे, मैं 12वें माले पे रहता हूँ और 9वें माले पे रहते हैं सेम बिल्डिंग में, तो मुझे एक दिन नहीं देखते ना तो मेरे को फ़ोन आता है, भाई किधर है। और हर वीक में 2 बार हम लोग साथ में खाना खाते हैं, ऐसा आज माहौल है। नाउ ये सब कुछ देखने के बाद सपने जो थे वो सब कुछ एक बड़ी सी मेरी हर एक
पुरुष की ऐसी तमन्ना होती है कि माँ बाप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन दे, राइट, अच्छे से अच्छा शिक्षण बच्चों को, अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छा तो मतलब लाइफस्टाइल। मैंने जब भी शादी किया था आज से 18 साल पहले, कभी फॉरएवर नहीं था मेरे पास, 8 साल बिना फॉरएवर के मैंने शादीशुदा जिंदगी बिता, मगर 8 साल में मैंने तकरीबन 12 घर बदले लीव लाइसेंस में। मेरे पास घर नहीं था अपना खुद का, वो जो पिताजी और माताजी रहते थे वो घर छोटा था, 220 स्क्वायर फीट का, कितना इधर कितना गज होता है, वो गज वज का मेरे को मालूम नहीं पड़ता, 15 गज खाली। यहाँ पे मैंने आज कुछ लोगों के घर देखे हैं, जितना बड़ा उनका एक एक बाथरूम है उतना हमारा एक बेडरूम हुआ करता था। उसमें 5 भाई बहन, माँ बाप और मेरी दादी भी थी तभी। ऐसे जिंदगी लोग जीते हैं, ऐसे भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करता था। बहुत सारे सपने थे, आपके में भी सपने होंगे ना, बहुत सारे सपने हैं ना, बड़ा सा घर हो, एक अच्छी सी कार हो, बच्चे अच्छी स्कूल में जाए, सेहत अच्छी हो, ये सब सपने मैं भी देखा करता था। मगर उसका बहुत मेहनत के करने के बाद सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा था मुझे। मैं 17 घंटा काम करता था दिन में, मेरे को सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा था। शायद आप भी वही सिस्टम के शिकार है, बाहर की दुनिया के सिस्टम में काम करेंगे आप आधे हो जाएंगे, मगर आपको वो क्षमता आप पाएंगे नहीं, क्योंकि कोई और आपके समय पे, आपके स्ट्रेंथ पे कोई और ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो आपको ज्यादा पैसा कमाने देगा? आपको क्या लगता है कि एक कंपनी में अगर मैं काम करता हूँ, ओके, तो वो आदमी अगर मैं 10,000 का मैं पगार वाला हूँ तो क्या मैं 10,000 का ही काम करता हूँगा? मैं जब तक 1,00,000 रुपये का कमा के नहीं दूँ ना वो कंपनी को, तब तक वो कंपनी मेरे को 10,000 रुपया नहीं देगा, राइट और रॉन्ग? यानी मेरी क्षमता कितनी है मगर मुझे कितना मिल रहा है, 10,000, क्योंकि मेरा वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम सही नहीं है, वो गलत नहीं है मगर सिस्टम सही नहीं है। ऐसे माध्यम से मैंने सीखा और आगे बढ़ा, धीरे धीरे मैनेजर बना। मैनेजर बनने के बाद पहला चेक मेरा था 78,000 रुपये का, पहला चेक। उस टाइम पे 5% TDS करता था, अभी TDS 12% हो गया। उस दिन जब चेक मिला था उस दिन इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि कुछ ऐसे पाया लाइफ में। आज जो मैनेजर बने उनको चेक मिला होगा ना, आपको पता चलेगा 15 तारीख को। सो मेरी वाइफ और पिताजी सब लोग खुश थे, मगर अभी ऊंचाइयों को छूने का और भी आगे बढ़ने का मैं कभी रुका नहीं हूँ सीखने के लिए, तो मेरा सक्सेस भी कभी रुका नहीं है। फिर धीरे धीरे सीनियर मैनेजर बन गया, 1-1.5 साल के बाद, और 1-1.5 साल के बाद सीनियर मैनेजर बना। मेरी टीम में 2 मैनेजर बन गए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और वो लोग का भी 1,00,000 का चेक हो गया, मेरे को और भी अच्छा लगा कि किसी की सफलता में मेरा हाथ है। इतना अच्छा महसूस होने वाला ये बिजनेस है, गुड, अच्छा है ना। लोगों को मदद करते गया, आज सफलता का जो अभी आपको जो एक नज़ारा देखने को मिला, आज बहुत सारे लोग आज सफलता की सीढ़ियों में चढ़ना शुरू कर दिया है। मैं उसमें 10 साल पहले आप ही की तरह यहाँ पे बैठा था और देख रहा था लोगों को सफल होते हुए। मैंने बहुत मेहनत की है, मैं आज भी मेहनत करता हूँ, मगर मुझे अभी हेल्थ बहुत है, मेरे पास मदद करने के लिए हेल्थ मेरे पास बहुत है, जो मेरे पास पहले नहीं था। और मैं लोगों की दुआ लेता हूँ, वो भी पावर आता है अंदर। धीरे 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 लोगों को और मदद करते गया। आज मेरे टीम में, आज मेरे सेपरेट लाइन में तकरीबन 9 लाइन्स हैं मेरे, उस 9 लाइन में तकरीबन 300 से ज़्यादा मैनेजर्स हैं। मैं उनको, कई लोगों को जानता नहीं हूँ, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में मैनेजर है, मुझे मालूम ही नहीं है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत मालूम है आपको, यहाँ पे आपका जो पावर है ना, आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे में इतना, भगवान ने इतना मेरे को नहीं दिया है, ये उमेश भाई के जैसा ऐसा इंग्लिश आता है सब कुछ एक्सपर्ट, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं अनजाने में कि यार वो तो इधर लिखा के आया है। कोई भी इधर लिखा के नहीं आया है, आप भी लिखा के नहीं आए, वो लिखना पड़ता है, और लिखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए जो भी बंदा रेडी होगा ना वो यहाँ पे लिख के जाएगा। और वो बाकायदा यहाँ पे, जैसे अभी आज सही बहुत सारे लोगों को आज आपने देखा, वो लोग ने लिखना शुरू कर दिया। अभी आज आपकी शुरुआत होगी प्रवास की, सफलता के प्रवास में। आप सब लोग आना चाहते हैं इनके जैसे,
जो अभी आज सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बने हैं, आप भी बनना चाहते हैं? कितने लोग बनना चाहते हैं? अरे वाह, तो क्या जो जरूरी है वो सब कुछ करेंगे? आपको एक मैं टिप्स देता हूं, जैसे आपने बताया, ओके, अभ्यास करना बहुत जरूरी है, चाहे वो भगवान का काम हो, ओके, चाहे पढ़ाई हो या बिजनेस हो, अभ्यास करना जरूरी है ना। नाउ आप अभ्यास करना शुरू कर दो फॉरएवर लीन प्रोडक्ट्स का, एक घंटा अध्ययन, अध्ययन मतलब पढ़ाई, एक घंटा आप पढ़ाई करेंगे रोज का, करेंगे? कितने लोग सीरियसली करेंगे अपने भविष्य को बदलने के लिए? ओके गुड, बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन नहीं चलेगा इधर, हाँ बाजू वाला यस बोलता है, इसके लिए मैं बोल दूं, वरना आप अपने आप को जुठा साबित करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। अगर कर सकते हैं तो ही यस बोलने का, नहीं तो नहीं बोलने का। अगर वो होएगा तो आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी आएंगे ये पोडियम के ऊपर, ओके। नाउ दूसरा, आपको ट्रेनिंग्स देखना बहुत जरूरी है, मेरठ में और लखनऊ में, दो ऑफिस आपके आजू बाजू में। अगर आप उसमें एक्सक्यूज निकालते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, अभी बारिश का समय चालू हो जाएगा, तो बोलेंगे बारिश बहुत है नहीं आता हूँ। हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जब भी 26 जुलाई को पूरा बंद हो गया था ना, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस में आए थे, पानी में, इतना इतना पानी में चल के आए थे। आई सल्यूट टू दोस पीपल, उनके पास कोई भी बहानाबाजी, या बहानाबाजी कर सकते हैं या सफलता पा सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो सफलता के लिए तत्पर हो जाओ काम करने के लिए। यहाँ पे सारे लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स हैं, उनसे आप जुड़ के इस जुम्बेश में शामिल हो जाओ और उनको पूछो मुझे क्या करना चाहिए। आप बोलो मैं, मेरे को नोट्स बनाना है, मैं नोट्स बनाने के लिए तैयार हूँ। एक अच्छा सा फॉलोअर बन जाओ। और जो भी लीडर्स हैं यहाँ पे, जितने भी मैनेजर्स हैं, उनको मालूम है मैनेजर कैसे बना जाता है, तभी जाके बनेंगे ना, तो उनको फॉलो करो अच्छी तरह से। और फॉलो करने के बाद ये सब कुछ मिलेगा। मैं 220 की स्क्वायर फीट की एक छोटे से फ्लैट में रहता था और सोच बड़ी थी, मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैंने जब FLP स्टार्ट किया तब मैंने सोच लिया था कि मुझे 5 साल के अंदर कम से कम 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का मुझे फ्लैट चाहिए, ओके। तो 5 साल का मैंने गोल बनाया था, मगर 5.5 साल में वो हो गया। 5.5 साल के बाद मेरे पास तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट था। बहुत ही खराब दिन भी देखे हैं, कभी कभी बीवी से भी पैसा लेना पड़ता था, ऐसे भी दिन थे, क्या कर सकते हैं, लाइफ में ऐसा होता है। कई बार आपको भी ऐसा हुआ होगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, उसको भूलना नहीं है, मगर इसको याद रखना है, क्योंकि वो दिन जब तक, अगर वो भूल गए तो बहुत तकलीफें होगी आपको यहां तक पहुंचने के लिए। वो दिन कभी नहीं भूलने का कि आपकी पोजीशन क्या थी। एक छोटा सा वाक्य बोलता हूं कि आदमी कैसा सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज करता है लाइफ में, जो मेरे लाइफ में भी हुआ था। कई बार हम लोग जाते हैं, मेरा बड़ा वाला लड़का अभी आज 10वीं में है और छोटा वाला लड़का अभी 7वीं में है। तो छोटा वाला लड़का जब पैदा हुआ था तभी, ये बड़ा वाला लड़का उसी उम्र में था, 5 से 7 साल की उम्र में। तो छोटा बच्चा क्या करता है, वो खिलौना चाहिए ना हमेशा, मगर बाप के जेब में पैसा नहीं है तो क्या बोलता है कि कुछ दिन के बाद लेके आएंगे, ऐसा बोलते हैं ना, प्रॉमिस मिलता है कि दिवाली में दिलाएंगे। जाता तो दिवाली में, दिवाली का प्रॉमिस मिला है सबको, क्यों दिवाली में बोनस वगैरह मिलता है, अभी तो कुछ भी नहीं मिलता। तो मेरे पिताजी हमेशा प्रॉमिस करते थे मेरे को भी, ऐसी तरह से मेरा लाइफ बड़ा हुआ, मगर मैं भी मेरे बच्चे को प्रॉमिस कर रहा था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे इतने। एक दिन का बात कर रहा हूँ, पढ़ाई करने के लिए पैसा पहले लगाते हैं लोग। मेरे बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बुक्स, किताबें चाहिए थी, तो हम लोग एक जनरल स्टोर में गए थे जहाँ पे खिलौना का भी काउंटर था और बुक का भी काउंटर था। तो हम लोग यहाँ पे बुक के काउंटर में, मैं और मेरा वाइफ दोनों हम लोग खड़े थे और हम लोग बुक उसकी ढूंढ रहे थे। तो मेरा लड़का मेरा इधर से ऐसा शर्ट खींच रहा है, पापा पापा उधर चलो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओके, मगर तभी मेरे को बुक ज़्यादा पहले ज़रूरी था, तो मैंने देख लिया, मैं 2 मिनट रुक जा बेटा, मैं आता हूँ। फिर वो उसका ख़त्म करके मैं उधर गया ना, तो मुझे लेके गया एक बड़ा सा रोबोट था। रोबोट मालूम पड़ता है, वो खिलौना था एक बड़ा सा, उसको देख के कितना अच्छा रोबोट है, मगर मुझे चाहिए नहीं। ऐसा मेरे बेटे ने बोला। आप सोचो, आप एक मिनट आप सोचो, अगर आप उस बच्चे के पिताजी हैं जो आप सक्षम नहीं है वो दिलाने के लिए, आप कैसा महसूस करेंगे, कैसा?
हॉरेबल राइट, ये महसूस मैंने किया था। क्या करें, हालात ऐसे थे। धीरे धीरे अभी आज मैं चाहे ना मेरा बेटा तो उसको नई गाड़ी हर महीना दिला सकता हूँ, ओरिजिनल गाड़ी कार, वो सारा सब कुछ फॉरेवर प्रोडक्ट्स की वजह से हुआ। आज हर साल हम लोग अभी अमेरिका और लंदन घूमते हैं, और मतलब अमेरिका जाते हैं, कभी प्लेन में नहीं बैठा था। 3 गाड़ी है मेरे पास अभी, आज अकेला चलाने वाला हूँ, एक बेचा और दूसरा लिया, ऐसा नहीं है, तीनों तीन। मैंने सिर्फ पार्किंग लिया है तकरीबन 22 लाख रुपए का, 3 पार्किंग लिया है, जितने का मेरा घर नहीं था। आज 3 पार्किंग लेके बैठा हूँ। नाउ ये सब कुछ आपके साथ में भी होगा, सबके साथ में नहीं होगा, क्योंकि सब लोगों की सोच मेरे या आपके जैसे स्ट्रांग नहीं होगी। जरा सा चैलेंज आता है ना तो हम लोग डर जाते हैं, मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, मैंने साइंस पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, वो सब कुछ। मैं मेरे पास भी यही चैलेंज था। सर ने क्या बोला अभी, सर ने आपको मैं हमेशा वो दिन कभी नहीं भूलूँगा जब भी 2008 में मुझे वहाँ पे स्पीकर बनाया था, इवन दो सिल्वर पोस्ट रैली में, वो दिन मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पास MAF का डिग्री है, मास्टर ऑफ फाइनेंस का, MAF नाम का कोई डिग्री नहीं है। मैट्रिक अपीयर बट फेल, बट इंडिया में से पहला आदमी था इंग्लिश में, 4000 टॉप डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग, इंडिया से ट्रेनिंग करने वाला इंग्लिश में, मैं पहला डिस्ट्रीब्यूटर था। ये सब कुछ कहां से पॉसिबल हुआ, क्योंकि एक जोरदार मेरे अंदर एक बोलते ना विश्वास मेरे अंदर है कि अभी मैं चाहूं वो सब कुछ सीख सकता हूं। मेरे में सीखने की तमन्ना बहुत है अभी, और वो एनवायरनमेंट में मैं रहा हूं जहां पे हर एक इंसान सीखने के लिए तत्पर है। जो भी सीखेगा आप में से, जो सिंसियरली सीखेगा, वो यहां पे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, डायमंड मैनेजर, सब कुछ पाएगा। खाली आप एक ही चीज याद रखना, आपके सपने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, कोई माइका लाल उसको छूना नहीं चाहिए, किसी को अलाउड नहीं। आपके सपनों में कोई भी आदमी बाधा डालता है उसको बोलने का, निकल, मेरे को मांगता ही नहीं तू। किसके सपने, बहुत सारे लोग फ्री में सजेशन देंगे, ए चेन बनाने का बिजनेस में गया, सबका बंटा धार करेगा, चीटिंग करेगा, कौन करेगा ऐसा, मालूम उसके जूते में होल होएगा, चेक करना, वो आदमी के जूते में होल होएगा, उसकी सुनेंगे, बहुत सारा नेगेटिव आपके सामने आएगा, चैलेंज है वो, मगर नेगेटिव को क्या करने का, नहीं सुनने का उसको वो माहौल से दूर हो जाने का। ये बिजनेस में कैसे काम करना चाहिए आपको, ये बिजनेस कैसा है बताऊं आपको, समझाऊं, एक स्टोरी बताता हूं, ओके, एक्चुअली दो स्टोरी बताना चाहता हूं सर अलाउ करे तो। पहले एक स्टोरी नहीं, दो स्टोरी नहीं, एक ही पंकज भाई ना बोल रहे हैं, दो स्टोरी। दूसरी बार आऊंगा तो मेरठ ऑफिस में आके ट्रेनिंग करूंगा, आपको वो सारी स्टोरी बताऊंगा, अभी जल्दी आऊंगा मैं मेरठ में, कुछ बिजनेस मुझे भी मेरठ में, बहुत सारे मैनेजर्स बन रहे हैं यार, तो मेरे को भी मेरठ में कुछ लोग अभी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने। एनीवेज, इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, मैं वो उसके लिए ये कहानी बता रहा हूँ, मैंने कल दिल्ली में भी बताई है, ओके। एक हस्बैंड वाइफ थे और उनको पैसा, मतलब वो जो एक छोटे से घर में रहते थे, और उनके भी सपने मेरे जैसे बड़े थे, उनको भी बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ चाहिए था। वो अभी इधर तो पॉसिबल नहीं था, वो आदमी जैसे दुबई में जाते हैं ना काम करने को लोग, इस तरह से वो दुबई ओवरसीज में दूसरी कंट्री में गया काम करने को, और वो वाइफ और उसका बच्चा, छोटा सा बच्चा है, पैदा हुआ है अभी, वो लोग राह देख रहे, वो पैसा कमा रहे, पैसा भेज रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाया, और उन्होंने एक फ्लैट लिया, बड़ा सा फ्लैट लिया बिल्डिंग में 20वें माले पे, और 20वें माले में उन्होंने फ्लैट लिया, और शिफ्टिंग करने का था, मगर थोड़ा सा काम बाकी था, बिल्डर ने वो जो लोखंड की जाली लगती है ना बालकनी में, वो नहीं लगाई थी, वो बाकी था काम। तो वो हस्बैंड शिफ्टिंग करके चला गया वापस काम के लिए। अभी वाइफ और बच्चा छोटा, वो घर में अकेले रहते हैं, हमेशा वाइफ को 20वें माले पे ना, तो उसको डर सता रहा था कि मेरा बच्चा कभी गिर जाए,
नहीं तो वो हमेशा अपने बच्चों को इधर घूम लेके घूमती थी, उसको छोड़ती नहीं थी बिल्कुल। एक दिन ऐसा हुआ कि दो साल के बाद, डेढ़ दो साल के बाद ऐसा हुआ, दो साल अभी कुछ नहीं हुआ, अभी क्या होगा, तो उसकी सोच में वो था, मगर फिर भी उसने प्रिकॉशन लिया, उसको नीचे जाना पड़ा बच्चे को छोड़ के, कुछ लाना था, तो बच्चे को फिर भी उसने, यहाँ पे बालकनी है और यहाँ पे उसका बेडरूम है, यहाँ पे बच्चे को पलंग के ऊपर बिठा के खिलौने छोड़ दिया कि वो बच्चा उधर खेलता रहे और उधर जाए नहीं। मगर जो नहीं होना था वो होता ही है ऐसा। वो जैसे उसने दरवाज़ा खींच लिया, बंद किया, कौवा आया, क्रो, कौवा ही बोलते ना इधर, हाँ कौवा आया, कहाँ कहाँ बोला, जैसे कहाँ कहाँ बोला, बच्चे को तो वैसा वो होता है, कुतूहल होता है कि पकड़ लूँ उसको, तो बच्चा बाहर आया और नसीब के हिसाब से वहाँ पे टेबल पड़ा था, जैसे ही टेबल पे चढ़ा कौवा उड़ के दूसरी तरफ चला गया। अभी दूसरी तरफ जाने के लिए वो दीवार पे चलने लगा बच्चा, उसको नहीं मालूम है कि गिरने से मौत हो सकती है, बच्चा है उसको इतनी समझ नहीं है। अभी जैसे ही नीचे वो चलने लगा, बैलेंस जैसे ऐसे कर रहा था, उतने में नीचे से एक आदमी ने देख लिया कि एक बच्चा दीवार पे चल रहा है, अब गिरा के कब, अगर गिर गया तो कुछ बचने वाला नहीं है। वो बोलता है कैसे माँ बाप है, उसको बचाओ कोई, थोड़ी देर में 500 लोग जमा हो गए, इंडिया में होता है ना ऐसा। वो लेडी ने देखा कि मेरे बिल्डिंग में 500 लोग जमा हो गए और सब लोग ऊपर देख रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। उसने बाहर आके देखा तो बच्चा ऐसे दीवार पे, तो आओ देखा नहीं ताओ उसका, वो उसने देखा कि मेरा बच्चा दीवार पे चल रहा है, आओ देखा नहीं ताओ, वो भागी हो और वो भीड़ को काट के वो भागी, और उधर तक पहुंचने से पहले वो बच्चे का पैर फिसला और धड़ांग करके नीचे गिरा, माँ ने पकड़ लिया उसको, खाना चाहिए थोड़ी सी, बस कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्टोरी है, इतना सीरियस मत हो जाओ। अभी ना ये सब कुछ एक रिपोर्टर देख रहा था, वो रिपोर्टर देख के उसको समझ में एक चीज़ समझ में नहीं आई कि वो लेडी यहाँ से यहाँ पहुँची कैसे। उसने एक पुतला बनाया और उसी फ्लोर से वापस फेंकने के लिए बोला और वो खुद खड़ा रहा और भागा, उसने उसने बोला अभी फेंक, और उसने भागा जैसे जहाँ पे वो खड़ी थी, वो आधे तलक भी नहीं पहुँचा और पुतला नीचे गिर गया। फिर पीटी उषा को बुलाया, पीटी उषा मालूम है ना, उसको खड़ा किया उधर और वापस वो सेम साइज़ का सेम पुतला बनाया और फेंका। पीटी उषा उस रिपोर्टर के एक कदम आगे गई, पहुंच पाई, वो पुतला गिर गया, मगर वो माँ पहुंच गई। इस कहानी का मतलब क्या हुआ, क्यों वो माँ पहुंच गई, क्यों पीटी उषा जो फास्टेस्ट रनर इंडिया की रही है वो नहीं पहुंच पाई, जानते हैं? क्योंकि वो उसका बच्चा था। किसका था? वो पीटी उषा का बच्चा नहीं था। तो आपका फैमिली किसका फैमिली है? आपका, फॉरएवर आपके सामने भी सेम है, हमारे लिए भी सेम है। अगर हम लोग इतना अचीवमेंट ले सकते हैं तो हम लोग के साथ में आप भी हमारे से ज़्यादा अचीवमेंट ले सकते हैं अगर आपकी चाहत स्ट्रांग है तो। सो मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब भी मैं आऊँ तो यहाँ पे जितने मैनेजर आज क्वालिफाई हो ना, उनसे डबल से ज़्यादा मैनेजर्स आप सब लोग मैनेजर हो जाएंगे। कितने लोग मैनेजर बनना चाहते हैं? मेहनत करेंगे ना जी जान से, के पीटी उषा के जैसे। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।